आपके पास है मोटो G24 पावर मोबाइल और आप अपने मोबाइल में ऐप को हाइड करना चाहते हो, कैसे हाइड करोगे? ऐप को हाइड करने के लिए दोस्तों आपको सेटिंग्स में आपको कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐप हाइड करना है तो दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो दोस्तों आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन आता है, इसमें आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर। इसी दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर लिख के सर्च करते हैं, एप्लीकेशन देखने को मिला, इसको आपको इंस्टॉल करना है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसको कैसे सेटअप करते हैं, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी, जैसे ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाए तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से गेट स्टार्ट करना है। गेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे विल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको लेटर करना है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से स्किप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे फिर से नॉट नो करना है। नॉट नो करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे कुछ इस तरह से सो जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे नीचे यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन और लेस्ट गो पे क्लिक करेंगे। एक बार टैप कर देते हैं इस तरीके से। आपको यहाँ पे करना क्या है, सेट अस डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर पे टिक करना है इस तरीके से। जैसे टिक कर देते हैं एक बार टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखते कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में चेंज हो जाता है। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट का निशान मिल जाएगा। थ्री डॉट वाले निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हिडन एप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हाइड ऐप पे क्लिक करना है, जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है वो सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए यहाँ से तीन चार एप्लीकेशन को हमको हाइड करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी दोस्तों ये सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आपको सेटिंग्स का लोगो दिख जाएगा, सेटिंग्स वाले लोगो पे क्लिक कर देना है। सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे। यहाँ से आपको चार अंकों में कोई भी एक पिन सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर से सेम पिन वही आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, अभी आपके इस पे लॉक भी सेट हो जाता है। अब आपको करना क्या, अगर आपको वो जो एप्लीकेशन आपने हाइड किया उसको देखना है या चलाना है तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या, इस तरीके से फिर से स्क्रॉल करना, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, हिडन एप्स पे क्लिक करेंगे और जो आपने पिन बनाया था लॉक बनाया था वो डालेंगे। यहाँ पे डालते ही हाइड हुई एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाती है, इनको यहाँ से आप चला सकते हो। तो इस तरीके से आप चला सकते हो इनको। अगर इनको अनहाइड करना तो यहाँ पे अनहाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरह से अपने मोबाइल में आसानी से ऐप को अनहाइड कर पाओगे। तो वीडियो से सही जानकारी, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।